हुई ना बात, ये होती है तेजी। ऐसा स्पीड दिखाना चाहिए लगभग ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज को। बड़ा सरप्राइजिंग है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिए और अपना कट ऑफ भी रिलीज करना शुरू कर दिए। इनको अपने सेशन में थोड़ा भी देरी नहीं करनी है, अपने सेशन को आजादी से पहले स्टार्ट कर देना है। इस एम के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बिहार का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपना फर्स्ट राउंड कट ऑफ रिलीज कर दिया है। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे ऊपर ही ऑलमोस्ट इतने सारे कोर्सेज हैं जिसका इन्होंने फर्स्ट राउंड शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स का रोल नंबर, मार्क्स, रैंक सब कुछ डिक्लेयर कर दिया पीडीएफ में, और वो बच्चा जाके अब पेमेंट भी कर सकता है और उसका टाइम भी दिया गया है पेमेंट कब तक करना है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, और आप सभी से निवेदन है कि आप देखो सबसे पहले आपको चैनल बताया जा रहा है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कमिंग डेज में और भी अच्छे वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, एमएससी केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, एमबीए का, इतने सारे कोर्सेज का यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया। देखो यहाँ पे आराम से जाओ देख रहो, 65-67 मार्क्स तक एडमिशन हुआ है यहाँ पे। कितना बढ़िया, ईडब्ल्यू को भी ईडब्ल्यूएस रैंक में, ओबीसी में आप देखो 55 रैंक फर्स्ट चल रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके इस यूनिवर्सिटी पे जाओ और अपना पीडीएफ चेक करो। ठीक है, पीडीएफ चेक करो, साइड में रोल नंबर है उसको मिलाओ, और पेमेंट कहां से करना है तो उसका भी डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर वेबसाइट पे हो तो यहीं पे देखो नीचे चले जाओ, यहाँ पे लिखा है ना लिंक फॉर एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25, और इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करते हो एक नया वेबसाइट ओपन हो जाता है जो कि सॉमर्स के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, और यहाँ पे आप जाके लॉग इन करो, लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालो, और आपके आपका अगर उस लिस्ट में नाम है, रोल नंबर है, तो यहाँ पे आपका पेमेंट जनरेट हो चुका होगा, तो आप जाके पेमेंट करो। और ये पेमेंट की डेट दी गई है ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन, प्लीज आप जाके चेक कर लो, क्योंकि हर का मुझे नहीं पता, जो एक नोटिस में मैंने पढ़ा वहां पे 5 दिन दिया गया था। ठीक है, तो अभी नोटिस कुछ कल के हैं, कुछ आज के हैं, तो ऐसे में आप लोग जाएं अपना पोर्टल चेक करें। जो बच्चे भी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन किए थे वो लोग, और इसका जो सेकंड लिस्ट है, ये जो पेमेंट आएगा, यानी 5 दिन सपोज दिया गया है, ठीक है, अब जब 5 दिन बाद बच्चे पेमेंट नहीं करेंगे तो सेकंड लिस्ट 2-3 दिनों में प्रिपेयर करके फिर से अपडेट करेंगे, तो लिस्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, और डायरेक्टली अगर आपको लिस्ट देखनी है, वेबसाइट पे नहीं जाना है, तो एक टेलीग्राम का चैनल है जहां पे पूरे 14 PDF जो है वो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आप जाओ और अपना वहां पे चेक कर लो, और आप अगर उसमें शॉर्टलिस्टेड हो तो आप जाके फिर क्या करो, पेमेंट कर दो, उसका भी लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और जिनका एडमिशन हो जाए वो एक गुड मैसेज मुझे जरूर लिखे कि मैं कम्युनिटी में डाल सकूं, उनकी हैप्पीनेस को शेयर कर सकूं, और वो पाठशाला कितना उनके लिए हेल्पफुल रहा वो भी 2 लाइन जरूर लिख के बताएं। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, हर हर महादेव।